हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट स्टेप टू एजुकेशन। टुडे आई ब्रॉट अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा। सो लेट स्टार्ट, बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुट बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियो। नाउ स्टार्ट विथ विंड एनर्जी और पवन ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी का आशय वायु से गतिज ऊर्जा लेकर उसकी उपयोगी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना या परिवर्तित करना है। सूर्य प्रति सेकेंड 50 लाख टन पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस ऊर्जा का थोड़ा सा अंश पृथ्वी पर पहुंचता है और यह यहां कई रूपों में प्राप्त होता है और विकिरण का सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह या भूपृष्ठ पर अवशोषित किया जाता है। तत्पश्चात यह विभिन्न रूपों में आसपास के वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी की सतह एक समान या समतल नहीं है, अतः अवशोषित ऊर्जा की मात्रा भी स्थान व समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है और इसके परिणाम स्वरूप तापक्रम और घनत्व तथा दबाव संबंधी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, है जो फिर ऐसे बलों को उत्पन्न करती हैं जो वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने के लिए विवश कर देती हैं। गर्म होने से ये विस्तारित वायु जो गर्म होने से हल्की हो जाती है ऊपर की ओर उठती है तथा ऊपर की ठंडी वायु नीचे आकर उसका स्थान लेती है। इसके फलस्वरूप वायुमंडल में अर्धस्थायी पैटर्न उत्पन्न हो जाते हैं। वायु का चलन सतह के तापमान गर्म होने के कारण होता है, रात में उल्टा होता है। पानी की ऊपर की हवा गर्म हो जाने के कारण ऊपर उठती है तथा जमीन से नीचे से ठंडी हवा आती है। पवन ऊर्जा का प्रयोग स्कॉटलैंड में जुलाई 1887 में पहली बार किया गया, जिससे विद्युत बनाया गया। इसके बाद इसका उपयोग वहां की एक कंपनी ने 1888 से 1900 तक किया। तब इसे डायनमो द्वारा विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन ये केवल कुछ ऊर्जा बनाने के ही कार्य में आता था। पवन चक्की या विंडमिल के फॉलोइंग पार्ट होते हैं। इसमें एक जो बेस है, बेस फाउंडेशन बनाया जाता है, उसके ऊपर एक टावर लगाया जाता है ना, जिसके ऊपर एक रोटर लगा रहता है जिससे जो टर्बाइंस हैं जो जुड़ी हुई रहती हैं। ये टर्बाइंस जब घूमती है तो वो रोटर भी घूमता है। ओके, रोटर के अंदर क्या होता है, एक आर्मेचर होता है ना, और एक गियर बॉक्स होता है। तो ये गियर बॉक्स है, जब टर्बाइन एक टाइम घूमती है तो जो गियर बॉक्स का जो रोटर होता है वो 100 टाइम्स उस आर्मेचर को घुमा देता है। तो जिसके कारण आर्मेचर जनरेटर घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसको कहाँ कलेक्ट किया जाता है, या तो इसको बैटरी में सेव कर दिया जाता है और या फिर इसको ग्रिड के थ्रू जोड़ दिया जाता है। आज के समय में विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला आदि दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, अतः भविष्य के निर्माण हेतु पवन ऊर्जा बहुत ही उपयोगी है और यह पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसलिए यह पवन ऊर्जा हमारे लिए आगे भविष्य में जीवनदायिनी सिद्ध होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।